प्रबोधन के लिए। उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, मेरे लोकसभा में मेरे सहयोगी आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, लोकसभा के मेरे सहयोगी आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, राज्यसभा में सांसद आदरणीय डॉक्टर कल्पना सैनी जी, माननीय सांसद नरेश बंसल जी, विशेष रूप से सुबोध उनियाल जी, माननीय मंत्री वन उत्तराखंड श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, उपस्थित सभी विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि निशंक जी और तीरथ सिंह रावत जी, इन्होंने उनके क्षेत्र के अनेक समस्याओं के बारे में मेरे सामने उन्होंने मांग की थी, वो सब मांगे, उसमें से बहुसंख्यक मांगे आज पूरी हो रही है, इसलिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। अभी प्रेमचंद अग्रवाल जी और तीरथ सिंह जी ने और निशंक जी ने ये मांग की है कि विशेष रूप से जो श्यामपुर पाठक है, श्यामपुर फाटक, यहाँ आरओबी और आरओबी बनने के बारे में उन्होंने मुझे मांग की है। मैं जाहिर करता हूँ कि आज से 3 महीने के अंदर हम इसका टेंडर निकालकर कार्य का शुभारंभ करेंगे। उत्तराखंड के बारे में मैं विशेष रूप से आपको एक बात बताऊंगा कि जब हमारी सरकार आई और आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब उत्तराखंड में 2014 में 2517 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था, पर मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि 2024 में यह संख्या 3608 किलोमीटर हुई है। जहां तक लेन के हिसाब से अगर हिसाब लगाएंगे तो 284 किलोमीटर फोर लेन का निर्माण हुआ है, 1070 किलोमीटर टू लेन प्योर शोल्डर है और 560 किलोमीटर सड़क का मरम्मत कार्य हमने किया है। अभी तक जो प्रोजेक्ट हुए और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो 1,00,000 करोड़ के हैं और करीब मंजूर करने वाले प्रोजेक्ट और 60,000 करोड़ के हैं। मेरा विश्वास है कि आने वाले 2-3 साल में जब प्रोजेक्ट पूरे होंगे तो उत्तराखंड का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे विभाग से 2,00,000 करोड़ रुपए के कार्य होंगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ। अभी जैसे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 16,000 करोड़ की तो रोपवे हमने मंजूर की है और निश्चित रूप से 2,00,000 करोड़ होगा, और उत्तराखंड का जो राष्ट्रीय महामार्ग का नेटवर्क है, जो दुनिया में ऐसे पहाड़ी प्रदेश है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, ऑस्ट्रिया है, ये जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के रास्ते वहाँ बने हुए हैं, उसी स्टैंडर्ड के रास्ते, राष्ट्रीय स्तर के रास्ते उत्तराखंड में बनेंगे, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। आज बहुत से कार्यक्रम जिसके बारे में आपने वीडियो फिल्म में देखा, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, पर इसके अलावा कुछ नए काम हम जो करने वाले हैं उसकी घोषणा करूंगा। त्यूनी, चक्राता, मसूरी, टीरी, मलेठा 3,000 करोड़ की लागत से 315 किलोमीटर ये जो टू लेन प्योर शोल्डर का काम है ये 2024 तक बन जाएगा। हिमाचल में रोहरू में त्यूनी होकर बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम आना जाना आसान इससे हो जाएगा। सिमली, ग्वालधाम, बैद्यनाथ, मनुसारी, जौलजीबी तक 2500 करोड़ की लागत से 290 किलोमीटर टू लेन मार्ग का डीपीआर जून 2024 तक बन जाएगा और इस कार्य की शुरुआत होगी। कुमाऊं क्षेत्र से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए इससे कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि मसूरी में हम 1800 करोड़ की लागत से 8 किलोमीटर टू लेन ट्विन टनल का डीपीआर जून 2024 तक बन जाएगा
और फिर उसके कार्य का हम शुभारंभ करेंगे। इस टनल से निर्माण से शहर का अंदर का ट्रैफिक जाम की समस्या हल होगी और टनल से पर्यटकों का और स्थानीय नागरिकों का समय काफी बच जाएगा। देहरादून से टिहरी के बीच 5,000 करोड़ की लागत से हम 35 किलोमीटर 2-लेन टनल का DPR दिसंबर 2024 तक बनाएंगे और इसके कार्य का शुभारंभ करेंगे। इसकी कीमत 5,000 करोड़ रुपए है। हरिद्वार में 16 से 3 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर 4-लेन ग्रीनफील्ड बाईपास अक्टूबर 2024 में पूरा हो जाएगा। रुद्रपुर में 1,051 करोड़ की लागत से 21 किलोमीटर 4-लेन बाईपास का काम जनवरी 2026 तक पूरा हो जाएगा। पोटा साहिब से देहरादून के बुल्लूपुर तक 1,646 करोड़ की लागत से 45 किलोमीटर 4-लेन मार्ग का निर्माण का काम 2 पैकेज में हो रहा है। पैकेज 1 पोटा साहिब से मेदिनीपुर तक 553 करोड़ की लागत से 19 किलोमीटर 4-लेन का काम मई 2025 तक पूरा हो जाएगा। पैकेज 2 मेदिनीपुर से बुल्लूपुर तक 1,093 करोड़ की लागत से 26 किलोमीटर 4-लेन फरवरी 2025 में पूरा हो जाएगा। हरबतपुर विकासनगर कलसी लखवार बरकोट तक 1,500 करोड़ की लागत से 111 किलोमीटर 2-लेन का काम दिसंबर 2024 तक अवार्ड हो जाएगा। इसके बनने से हरियाणा हिमाचल प्रदेश से पोंटा साहिब तथा यमुनोत्री के लिए यात्रा सुगम होगी। भैरव घाटी नैलोंग नागा तक 850 करोड़ की लागत से 70 किलोमीटर 2-लेन का DPR जून 2024 तक बन जाएगा। इसके बनने से गंगोत्री से भैरव घाटी का कनेक्शन बेहतर होगा। गतांगली पर्यटन स्थल तथा सीमावर्ती गांवों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। जोशीमठ से मलारी तक 630 करोड़ की लागत से 60 किलोमीटर 2-लेन सड़क का निर्माण 2025 तक हो जाएगा। ओली पर्यटन क्षेत्र जुड़ेगा तथा धार्मिक महत्व के तपोवन क्षेत्र तथा द्रोणगिरी पर्वत तक जाना आसान हो जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्र में नीति पास के लिए कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। इसके साथ साथ मुझे बहुत खुशी है कि गढ़वाल जिले के पेंडुल से श्रीनगर तक 300 करोड़ की लागत से 42 किलोमीटर की 2-लेन सड़क का निर्माण 2-लेन शोल्डर का निर्माण 2026 में पूरा हो जाएगा। कोटद्वार लेस डाउन पौड़ी से बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की यात्रा सुगम हो जाएगी और माना से सीमावर्ती क्षेत्र के कनेक्टिविटी में सुधार हो जाएगा। इसके साथ साथ जोशीमठ में 270 करोड़ की लागत से 6.3 किलोमीटर 2-लेन प्योर शोल्डर बाईपास का भी निर्माण 2025 तक हो जाएगा, जिससे जोशीमठ में ट्रैफिक जाम की समस्या हल होगी और पुराना रोड भी हम ठीक करके देंगे। इसके साथ साथ मानस खंड में नैना देवी कैची धाम आदिबद्री मंदिर तथा बवाली रानी के तीर्थ स्टेशन जाना सुगम हो जाएगा। चमोली चौपटा से कुंड तक 1200 करोड़ की लागत से 80 किलोमीटर 2-लेन का जो काम है इसका DPR शुरू हो गया है। तुंगनाथ मंदिर जाने वाले तथा ट्रैकिंग करने वालों को सुविधा मिलेगी। चमोली से केदारनाथ धाम के लिए तथा कुंड से बद्रीनाथ के लिए नई कनेक्टिविटी होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो उत्तराखंड के लिए हमारी सरकार ने दिए, मोदी जी के नेतृत्व दी हुई सबसे बड़ी भेंट है, वो है दिल्ली से देहरादून 12,000 करोड़ की लागत से 212 किलोमीटर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे। मैं आपको आज ये बता देना चाहता हूँ कि यह हाईवे दिसंबर के पहले खुल जाएगा और दिसंबर के बाद दिल्ली से देहरादून हवाई यात्रा समाप्त हो जाएगी, कोई हवाई जहाज नहीं आए। और ये जो रोड है, ये दिल्ली के अक्षरधाम के पास DMA से शुरू होकर शास्त्री पार्क खजूरी खास मंडोला बागपत से ठेकड़ा में EP इंटरचेंज से बागपत शामली मुजफ्फरनगर सहारनपुर होकर देहरादून तक जाएगा और इसको हमने हरिद्वार से भी जोड़ने के लिए एक रोड बनाया है। मेरा विश्वास है कि ये रोड सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर तक निश्चित रूप से 40 किलोमीटर का काम दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। ये रोड के बारे में मैंने मुख्यमंत्री जी को एक रिक्वेस्ट की है
कि हरिद्वार और ऋषिकेश में बड़ा कंजेशन है और आप बता रहे थे 68 लाख टूरिस्ट आए। मैं आपको आज लिख देता हूं कि देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे और ये रोड बनने के बाद आपके यहाँ 2 करोड़ यात्री पर्यटन के लिए आने वाले हैं, 2 करोड़। उतने रेस्टोरेंट लगेंगे, उतने होटल लगेंगे, उतनी व्यवस्था लगेगी। और पर्यटन ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार निर्माण के लिए खड़ी होती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस रोड के आजू बाजू में भी आप ऐसी डेवलपमेंट करिए कि पर्यटकों की सुविधा भी होगी और उत्तराखंड के युवा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये पूरे कॉरिडोर में गणेशपुर से देहरादून तक वन्य जीवियों के लिए हम यहाँ 12 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड, 6 एनिमल अंडरपास, 2 हाथी के निकालने के अंडरपास, एलिफेंट अंडरपास, 2 बड़े पुल, 13 छोटे पुल निर्माण कर रहे हैं। पूरे एक्सप्रेसवे में 113 VUP, LVUP, SVUP, 5 ROV, 4 मेजर ब्रिजेस और 62 बस शेल्टर हम बना रहे हैं। इस पूरे एक्सप्रेसवे में आबादी आने वाले में क्षेत्र में टोटल 76 किलोमीटर हम सर्विस रोड भी बना रहे हैं और 29 किलोमीटर एलिवेट रोड के अलावा 16 एंट्री एग्जिट पॉइंट भी हमने बनाई है। यहाँ हम लोग 12 वेस्ट एमिनिटीज बना रहे हैं, जिसके कारण मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि उत्तराखंड का हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, यहाँ की जो भी कला है उसके दुकान आप इसमें लगाइए, हम आपको जगह देंगे। फिर उत्तराखंड का जो फूड है उसके रेस्टोरेंट लगाइए ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है कैलाश मानव सरोवर। मेरी बहुत इच्छा थी कि यह प्रोजेक्ट जल्दी पूरा हो जाए, पर इसमें बहुत अड़चने आए। टनकपुर से लिपु लेक तक 366 किलोमीटर की यह सड़क, जिसके ऊपर हम 5200 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, मुझे आज बड़ी खुशी है कि इसमें से करीब 366 में से 280 किलोमीटर का काम, 355 किलोमीटर का काम लगभग अवार्ड हो गया है। और मेरा विश्वास है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के कमेटी के द्वारा अगर सहयोग मिल जाएगा, वो करेंगे ऐसा विश्वास है, तो आगे का भी काम हो जाएगा। इसके साथ साथ पूरे देश के लिए एक श्रद्धा का विषय है, वो है ने 4 धाम परियोजना। मैं मोदी जी के साथ आया था तब उन्होंने इस योजना का भूमि पूजन किया था। 12,000 करोड़ की लागत से हम 825 किलोमीटर की 4 धाम परियोजना पर काम कर रहे हैं और मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि यह परियोजना में 609 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। 72 किलोमीटर के सड़क ब्रिज टनल में काम तेजी से चल रहा है। 98 किलोमीटर के काम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कुछ स्थानों पर नई अलाइनमेंट बनाकर काम किया जाएगा और शेष कार्य सितंबर 2025 तक पूरा करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूँ। दिल्ली से बद्रीनाथ धाम जो 12 घंटे आता है, अब 2 घंटे में डेहराडून आएंगे और 2 घंटे में बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे, तो 4 घंटे में ये काम हो जाए। अभी दिल्ली में बहुत से लोग देहरादून में रहेंगे और काम करने के लिए दिल्ली जाएंगे। मैं अभी मेरठ दिल्ली हाईवे हमने बनाया, मैं वहाँ गया था तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हम दिल्ली में नौकरी करते थे, दिल्ली में घर था, पर अब हमने मेरठ में घर बनाया, रोज आना जाना करते हैं। जहाँ 4.5 घंटे लगते थे वहाँ 45 मिनट में आना जाना होता है। मुझे तो लोगों ने बताया कि अब हम लोग कैनॉट प्लेस में मेरठ से आइसक्रीम खाने को मिला, टोटल बदल गई है। और इसलिए दिल्ली से डेहराडून बनने के बाद निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा उपयोग होगा। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक 3800 करोड़ की लागत से 280 किलोमीटर तो ये काम अब पूरा हुआ है, थोड़ा काम जो है वो 2025 तक पूरा हो जाएगा। कालिया सोन में जो लैंडस्लाइड को बाईपास करने के लिए 3 किलोमीटर का काम दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। ऋषिकेश में 16 किलोमीटर चालन एलिवेटेड बाईपास जो बनाया जाएगा, इसका काम
सितंबर 2024 में शुरू हो जाएगा। एलिफेंट